आप देख रहे हैं 7 इंडिया न्यूज की खास खबर। अमित शाह से मुलाकात के बाद भी नहीं घटी दूरियां। शिवसेना बोली अकेले ही लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना ने अपने वार्षिक सम्मेलन में पिछले साल प्रस्ताव पारित किया था कि वह आगामी आम चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से हुई बुधवार को मुलाकात के बाद शिवसेना ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वह 2019 का आम चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। GST के दायरे से बाहर नहीं हो सकता लंगर। राशन की रसीद दिखाकर करा सकते हैं टैक्स रिफंड। लंगर से GST हटाओ यह चर्चा पिछले कई साल से गरमाई हुई है, लेकिन असलियत यह है कि लंगर पर GST वसूला नहीं जाता। सच्चाई यह भी है कि श्री दरबार साहिब अमृतसर में मिलने वाला कड़ा हो, तिरुपति बालाजी के जग प्रसिद्ध लड्डू हो या फिर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर के नारियल प्रसाद में गिने जाते हैं, इन पर GST नहीं लगता। लखनऊ में तेज बारिश हो रही है। यूपी के इन जिलों में आ सकता है तूफान, अलर्ट जारी। लखनऊ के पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं बाराबंकी में हल्की बूंदाबांदी बनी हुई है, जबकि कई जिलों में काले बादल छाए हुए हैं। इनके अलावा मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तूफान आने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव समेत कई जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान है, साथ ही धूल भरी आंधी भी चल सकती है। विभाग के अनुसार ऐसा मौसम पूरे हफ्ते बना रहेगा। इस साल मानसून को लेकर भी मौसम विभाग के ताजा अनुमान उत्साहजनक है। विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक मध्य पश्चिम क्षेत्र में इस साल जुलाई में खूब बारिश होगी। पायलट की सूझबूझ से टला हादसा। जेट एयरवेज विमान का लैंडिंग के समय पहिया हुआ जाम। जेट एयरवेज मुंबई भोपाल उड़ान के दौरान पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को मुंबई से भोपाल आ रहे जेट एयरवेज के एक विमान का लैंडिंग के समय अगला पहिया जाम हो गया था। विमान हिचकोले खाता हुआ रनवे से पैरामीटर रोड की तरफ फिसल गया। पायलट ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर बड़े हादसे को टाल दिया। बॉलीवुड में शादी का माहौल बना हुआ है। दीपिका के लिए रणवीर ने लिया नया घर, शादी के बाद होंगे शिफ्ट। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस साल 19 नवंबर को शादी के बंधन में बंध सकते हैं। इनकी शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अब रणवीर ने एक नया घर भी ले लिया है, जहां वो शादी के बाद दीपिका के साथ रहेंगे। सोशल मीडिया पर फेमस हुए डब्बू अंकल के पास एक हफ्ते में आए 1000 कॉल। परेशान होकर उठाना पड़ा ये कदम। मध्य प्रदेश के डब्बू अंकल का डांसिंग वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। तब से वो स्टार बन गए हैं। लोग उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं और सेल्फी लेने के लिए लाइन लग जाती है। बढ़ती पॉपुलरिटी के चलते संजीव श्रीवास्तव के पास कई फिल्मों और टीवी शोज के ऑफर भी आ गए हैं। मुंबई में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट हो चुका है। BMC ने छुट्टियां रद्द कर दी हैं। तटीय इलाकों में नौसेना तैनात है। 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश की वजह से गुरुवार को कई इलाकों में पानी भर गया। मुंबई लोकल और बस सर्विस पर भी इसका असर पड़ा है। कई जगह ट्रैफिक भी जाम हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्री मानसून बारिश है। विभाग ने अगले 48 से 72 घंटे के भीतर मानसून के मुंबई पहुंचने की उम्मीद जताई है। हालांकि अगले 2 दिन मुंबई, कोंकण, गोवा, कर्नाटक के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अलर्ट के बाद मुंबई महानगर का BMC ने अफसरों कर्मचारियों में छुट्टी रद्द कर दी है। सुरक्षा की दृष्टि से मलाड, कोलंबा, वर्ली, घाटकोपर, ट्रांबे में नौसेना तैनात की गई है। पाकिस्तान के पेशावर से चुनाव लड़ेगी शाहरुख खान की चचेरी बहन। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की चचेरी बहन नूर जहां पाकिस्तान में 24 जुलाई को होने वाले आम चुनाव लड़ने जा रही है। पेशावर से चुनाव लड़ने जा रही नूर जहां ने जियो न्यूज से बात करते हुए बताया है कि उन्हें उम्मीद है कि जितना समर्थन शाहरुख खान को मिलता है उन्हें भी लोग उसी तरह समर्थन देंगे। RBI ने दिया बड़ा तोहफा, घर खरीदने के लिए 35 लाख तक मिलेगा सस्ता लोन। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों के लिए लोन महंगा करने का रास्ता भले ही तैयार कर लिया हो, लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने आम आदमी को एक बड़ा तोहफा भी दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महानगरों में रहने वाले मध्य वर्ग के परिवार के लिए घर खरीदना सस्ता कर दिया है। RBI के मुताबिक महानगरों में घर खरीदने के लिए 35 लाख रुपए तक के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL श्रेणी में रखा जाएगा।